वेलकम टू ग्लेशियर पार्टनर्स। आज हम ग्रेट 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबाउ विच एनिल लिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जुमना स्वीट शॉप। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइन। सो अनलाइन का मतलब होता है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। Did Anil say anything about the robbery? So इसका आंसर होगा नो, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला था। उसे पता चल गया था लेकिन फिर भी वह चुप रहा था। How according to the narrator would Anil feel upon finding it? Sad, क्योंकि narrator ने अलग अलग लोगों के अलग अलग expression बताए थे और Anil का यही बताया था कि वो sad होता अगर उसे reality पता चलती। How much money did he steal? तो इसका आंसर होगा 600 rupees. Then who is easier to rob? इसका आंसर होगा a greedy man. एक greedy आदमी को rob करना easy होता है author के हिसाब से। A cue way to earn money. What is the meaning of the word quirk? So इसका आंसर होगा strange. Quirk का मतलब होता है strange. What did Anil promise him to teach? तो इसका आंसर होगा all of the above, क्योंकि उसको सब कुछ सिखाने का अनिल ने उसे प्रॉमिस करा था। हाउ वॉज द मील ही कुक फर्स्ट नाइट? सो इट वॉज टेरेबल। अच्छे से ये लाइन दिमाग में आ जाती जैसे ये क्वेश्चन आता है। वॉट नेम डिड ही टेल अनिल? तो हरीश सिंह उसका कोई फिक्स नाम नहीं था, इसलिए वो हर महीने नाम बदलता रहता था। तो इस टाइम उसने अपना नाम दिया था हरीश सिंह। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? So every month. How did the narrator attempt at being friends with Anil? So flattering him. Narrator बहुत ज़्यादा flattery का वे use करते थे अनिल के लिए, उसे friend बनाने के लिए। How has the narrator described Anil? So all of the above, वो simple थे, kind थे और easy going भी थे। What was the boy's age? So it was 15. What is he? A fairly successful hand at so stealing. What promise did Anil make to the thief boy? तो उसने ये क्या प्रॉमिस किया था? उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे लिखना और पढ़ना सिखाएगा, यानी ऑप्शन सी, टीचिंग हिम एंड रीडिंग हिम। Which of the following traits describe Anil? So easy going, हमने पहले भी इसका रिविजन देखा था। What was the boy's real profession? Theft. What did Anil do to the food cooked by the boy the first day? So usne kya kara tha? He gave to the street dogs. Yani he threw it to a stray dog. Okay. So ye humne pehle kar liya, iska answer hoga Jumna Sweet Shop. What did Anil do for a living? So wrote articles for magazines. How old was Anil? So Anil was 25 years old. What was the name of the thief boy? Hari Singh. तो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं लगभग। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है कि द थीफ स्टोरी का ऑथर कौन है, तो ज़रूर लिखेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ग्लेशियर पार्टनर्स। थैंक यू।